नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर उर्मिला निश्चल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट निर्मल स्किन एंड हेयर क्लिनिक से, जो कि विजयनगर बैंगलोर में है। तो मास्क हम पहनने से पहले हमें याद रखना है कि हमारे हाथ साफ हो, या तो हम सोप और पानी से उसको धो सकते हैं, या तो सैनिटाइज़र को यूज़ करके उसको क्लीन रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें वो स्ट्रिंग पकड़नी है, चाहे क्लॉथ का कपड़े का मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो, या कपड़े के मास्क में भी ऐसे स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग्स को पकड़ के हमें उसको मुंह पे ऐसे लगाना है, जिससे कि नोज़ कवर है, ये नोज़ क्लिप है तो उसको दबाना है, और ये जो नीचे का पोर्शन है उसको ऐसे खींचना है। कपड़े के मास्क को भी प्लीट्स होती है तो वैसे ही करना है। आपको ध्यान रखना है कि प्लीट्स ये नीचे की तरफ है, और मास्क यूज़ करते टाइम पे ये पूरा कवर होना चाहिए। मास्क कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, इस्पेशली बात करते वक्त या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते वक्त मास्क हमेशा नाक के ऊपर होना चाहिए। फिर अगर आपका मास्क गीला हो चुका है या कुछ तो उसके ऊपर गिर गया, लग गया है, तो उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रीयूजेबल मास्क होते हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। कपड़े के मास्क है वो, उसको आपको रोज़ के रोज़ धोने हैं, धूप में सुखाने हैं या इस्त्री करने हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हो या वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, तो मास्क ना पहने, क्योंकि तभी प्रॉब्लम्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से श्वास लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ध्यान दें कि आप जब वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग कुछ भी कर रहे हो तो मास्क ना हो। और दूसरी बात यह है कि आपके हाथ हमेशा क्लीन रहे। जब आपने मास्क पहना है तो मास्क को हाथ से टच नहीं करना है।